नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्लेजिंग एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज बाय डायरेक्शनल सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय डायरेक्शनल सर्च के अंदर काफी फीचर्स हैं। तो पहला फीचर इसका ये है कि ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड को बिलोंग करता है, मतलब कि हमारे को सिर्फ स्टार्टिंग और हमारे को सिर्फ एंडिंग नोड पता है कि हमारे को यहाँ से यहाँ पे जाना है। सेकेंड फीचर इसका क्या है, सेकेंड फीचर इसका ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट सर्चेस होती है। ये बहुत यूनिक चीज है कि हमारे को दो दो तरीके से या फिर दो दो तरफ से सर्च करना होता है। एक सर्च होती है आपकी फॉरवर्ड सर्च और एक ये होती है स्टार्ट हमारी स्टार्टिंग नोड से और फिर ये जाती है हमारी गोल नोड तक। मतलब कि हम एक सर्च यहाँ से शुरू करेंगे हमारे स्टार्टिंग नोड से ही गोल नोड की तरफ और दूसरी सर्च होती है हमारी बैकवर्ड सर्च जो कि हम स्टार्ट करेंगे गोल नोड से और वो जाएगी स्टार्ट तक। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी ये कैसे काम करता है अच्छे से। इसकी पूरी प्रॉपर वर्किंग आपको शो करी जाएगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारी दो सर्चेस जो होती है ये साइमल्टेनियसली काम करती हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये एक साथ काम करती हैं। ये हमारी फॉरवर्ड सर्च भी स्टार्ट से गोल तक जाती है, इसको हम सर्च शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ हम बैकवर्ड सर्च भी शुरू कर देते हैं, कहाँ से, गोल से स्टार्ट तक। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी सर्च टेक्निक यूज कर सकते हैं सर्चिंग के लिए। आप BFS चाहे तो BFS यूज कर सकते हैं, मतलब कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च DFS यूज कर सकते हैं या फिर डेप्थ लिमिटिंग सर्च यानी DLS यूज कर सकते हैं। मैं इन तीनों पे ही वीडियोस बना चुका हूं, तो आई होप आपने देख रखी होंगी क्योंकि ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इनमें से सबसे बेटर जो होती है यूज करने के लिए बाय डायरेक्शनल सर्च मेथड में वो होती है BFS, क्योंकि इससे हमारे को ज्यादातर कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। दैट इज वाई BFS इज प्रेफर्ड जब भी हम बाय डायरेक्शनल सर्च को यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 × B^2। अब B क्या है इसके अंदर, B जो है आपका ये है ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब कि ब्रांचिंग कितनी है आपके ग्राफ में या फिर ट्री में। D क्या है आपका, D है आपका डेप्थ, यानी कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर ट्री और ग्राफ। तो अब इसको समझते हैं कि भाई ये D/2 कैसे आई है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है और ये हमारा गोल नोड है और हमारे को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम इसमें से एक कोई भी एक पाथ फॉलो करके 5 तक या फिर ये मिडिल नोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसको हैश मान लेते हैं, बीच में पहुंच रहा है, मतलब यहाँ पे हैश पॉइंट है इनका। ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक गोल नोड से स्टार्टिंग नोड तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड सर्च। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड सर्च। फॉरवर्ड सर्च कहाँ से कहाँ होती है, स्टार्ट टू गोल। बैकवर्ड सर्च कहाँ से होती है, गोल टू स्टार्ट, जो कि हमने किया है। तो जब भी ये मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे तो हमारी सर्च स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जितना यहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी आपकी B^2 और यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगेगी वो होगी B^2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 2B^2। B है ब्रांचिंग फैक्टर, D है डेप्थ। ठीक है, और इसकी स्टॉपिंग कंडीशन यही है कि जब भी हमारे दो ग्राफ्स, ये दो ग्राफ्स जो हैं, जब मीट कर जाते हैं उस पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, उसकी ये स्टॉपिंग कंडीशन है, तब ये स्टॉप हो जाएगा और हमारे को हमारी पाथ मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है प्रोसेस का इसकी, ये कैसे काम करता है हमारा कौन सा बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, और अब इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है B^2, जो कि हमने काफी एल्गोरिथम्स में देखी थी, जो कि हमारी BFS में भी थी और शायद हमारी DFS में भी थी। हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमारी नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जब हमारे पास स्टार्टिंग और गोल नोड दिए हो और वो बीच में मिल रहे हो। ठीक है, तो इसकी भाई देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। इसकी एडवांटेजेस ये है, पहली तो कि ये फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि भाई दो सर्च चल रही है साइमल्टेनियसली, तो हमारे को पाथ जल्दी मिलेगी। मान लीजिए अगर हम ये वाली पाथ ना चलाते, ये वाली सर्च ना चलाते, सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग से लेते, तो फिर हमारे को थोड़ा टाइम लगता। अब हम साइमल्टेनियसली दोनों सर्च चला रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारा फास्ट है इसलिए, और हमारे को मेमोरी भी इसके अंदर लेस रिक्वायर्ड होती है, वी रिक्वायर लेस मेमोरी इन दिस। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई हमारे को यहाँ से भी सर्च करनी है, साथ ही साथ हमारे को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सर्च करनी है, उस वजह से इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि गोल शुड बी नोन इन एडवांस, मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा गोल नोड कहाँ पे है।
समझे, मतलब हमारे को पहले से आइडिया होना चाहिए कि भाई गोल नोड हमारा ये है, तभी हमारी बैकवर्ड सर्च अप्लाई हो पाएगी, तभी हम बैकवर्ड सर्च भी कर पाएंगे। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के अंदर हम बाय डायरेक्शनल सर्च का यूज करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम यूज करेंगे BFS, मतलब कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आई होप आपने देख रखी होगी। ठीक है, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी स्टार्टिंग या फिर फॉरवर्ड सर्च, ठीक है, और फिर एक यहां से निकलेगी हमारी सर्च, जिसको हम कहेंगे बैकवर्ड सर्च। इसको हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड सर्च। तो पहले भाई यहां से देख लेते हैं, ये हमारा बीच का पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट। तो ए आएगा, फिर ए के बाद हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखेंगे, हम लिखेंगे ए से बी फिर सी, क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल वाइज देखते हैं, ये मैं बता चुका हूं, तो ये दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये से हमारा आ गया सी, और सी से फिर आएगा हमारा डी। ठीक है, एक तो हमारी सर्च ये हो गई, ये हो गई हमारी फॉरवर्ड सर्च। अब हमारी बैकवर्ड सर्च कहाँ से आएगी? जी से शुरू होगी, गोल नोड से। गोल नोड से हम ई पे जाएंगे, फिर ई से एफ पे जाएंगे, फिर हम एफ से डी पे जाएंगे। ठीक है, यही हम यहाँ पे भी हमने BFS अप्लाई किया है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारी जो फाइनल होगी पाथ वो क्या होगी। अब उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए टू बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, और एफ से ई, फिर ई से जी। ठीक है, ये हमारी फाइनल ट्रेवर्स्ड पाथ होगी, जिसको हमने निकाला है किससे? फॉरवर्ड सर्च से और बैकवर्ड सर्च की हेल्प से, दोनों को हमने कम्युलेट किया और हमने ये निकाल ली। इसको हम उल्टा लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे को आखिरी में गोल नोड पे जाना होता है, तो पाथ ऐसी तो बनेगी। ठीक है, तो ये था गाइस, इसके लिए इतना ही था इस वीडियो में। हमारे को समझ आया कि बाई डायरेक्शनल सर्च कैसे काम करता है। दो तरफ से लगाते हैं हम सर्च, एक तो फॉरवर्ड सर्च, एक बैकवर्ड सर्च। एक शुरू होती है स्टार्ट से गोल तक जाती है, एक गोल से स्टार्ट पे जाती है, बीच में मिलती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 × B^2 होती है, वर्स्ट केस में होती है बिग ओ ऑफ B^d। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम यूनिफॉर्म सर्च मेथड्स क्या होते हैं। अभी हम अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथड देख रहे थे, अब देखेंगे इनफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, इनफॉर्म्ड सर्च मेथड्स देखेंगे कि हमारे इनफॉर्म्ड सर्च मेथड्स कौन से होते हैं और उसके हमारे को कैसे हेल्प करते हैं, उनकी प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करती है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।